एंड वेलकम टू सैलड्स एंड मोर। आज हम एक बहुत ही स्वीट एंड सेवरी सा स्टार्टर बनाएंगे विच इज बेबी कॉर्न एंड पनीर साग। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और काफी हेल्दी भी है, तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो बेबी कॉर्न और पनीर साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए पनीर ले लिया है, मैंने इनको ऐसे लॉन्ग क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न लिया है, बेबी कॉर्न को मैंने पार बॉइल किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है, यहाँ मैंने चिली सॉस, ये थोड़ा सा शेजवान सॉस, सोया सॉस, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है। और हम जो ड्रेसिंग बनाएंगे वो मैंगो की ड्रेसिंग होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे अल्फांसो मैंगो लिया है। अगर आपके पास अल्फांसो नहीं है तो आप कोई भी और मैंगो ले सकते हैं और उसकी ड्रेसिंग हम यूज करेंगे। तो आइए अब इसका हम मैरिनेट रेडी करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये गार्लिक है, मैंने 7 to 8 क्लोव्स गार्लिक काटा था, मैंने यहाँ गार्लिक डाल दूंगी। इसके बाद ये शेजवान सॉस है, ये मेरा थोड़ा चिली सॉस है, ये थोड़ा स्पाइसी बनेगा तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा स्वीट चिली ऑरिगेनो है। ये सारे सॉसेस मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून लिए हैं। ये मेरा सोया सॉस है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा केचप लिया है, अपना टमेटो सॉस, हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। मैंने थोड़ा हनी लिया है, बिकॉज हम इसको थोड़ा सा स्वीट और स्पाइसी बनाएंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा इसमें हनी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स डाल दिया इसमें, तो हमारा मैरिनेट तैयार है। अब इसके अंदर हम पनीर के पीसेस डाल देंगे, इसको हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसमें अब आप बेबी कॉर्न के पीसेस भी डाल दीजिए। जनरली जो बाजार में साटे मिलता है उसके अंदर हम पीनट का चूरा करके डालते हैं, उसे ग्राइंड करके। मैंने इसे पीनट यूज नहीं किया है, पर अगर आप चाहें तो इसमें पीनट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा मैरिनेट और ये पनीर मैंने डाल दिया, सब तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी, आप कॉर्नफ्लावर को कुछ बना के भी डाल सकते हैं, मैं इसमें सूखा ही डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक अब हमारा पनीर और बेबी कॉर्न मैरिनेट होता है, हम जल्दी से अपनी मैंगो की डिप या फिर आप इसको ड्रेसिंग कह सकते हैं, हम बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है। यहाँ मैंने जो मैंगो लिया है, मैंगो को मिक्सर में डाल दूंगी, ये ड्रेसिंग बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 1 to 2 tablespoons मैंने विनेगर डाला है, यहाँ मैंने थोड़ा सा 1/2 teaspoon या मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, वर्जिन ऑयल, चिली फ्लेक्स है, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉर्मल नमक ले लिया है, वाइट सॉल्ट, ये हम डालते हैं। अब आइए इसको हम ग्राइंड करते हैं और उसके अंदर एक स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए मेरी मैंगो डिप रेडी है। अब हम अपने पनीर को और बेबी कॉर्न को ग्रिल करेंगे। ये मेरा बेबी कॉर्न और पनीर मैरिनेट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने स्क्यूअर ले लिए हैं, अब स्क्यूअर के अंदर इनको डाल देते हैं। ग्रिल पैन ले लिया है, मैंने इसको हीट कर लिया है। अब हम अपने बेबी कॉर्न और पनीर साथे को हम इसके अंदर ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पे ग्रिल पैन में ऑयल लगाऊंगी, आप इसको अच्छे तरह से ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर दीजिए। मेरा पैन हीट हो गया है,
आपके यहाँ स्प्रिंग अनियन है, स्प्रिंग अनियन या फिर थोड़े से आप धनी से इसको गार्निश कर सकते हैं। एंड लेट्स पुट सम ड्रेसिंग ऑन। देखिए मेरा पनीर और बेबी कॉर्न साथे रेडी है। आप इसे घर पे ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल साइंस एंड मोर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप हैविंग साइंस एंड मोर।